आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यादव की पत्नी डिंपल यादव हुई कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना, अजय मिश्रा टेनी पर चर्चा की मांग के कारण एक दिन पहले संसद हुई स्थगित। गोवा में आमने सामने हुई आप और टीएमसी, केजरीवाल के बयान पर ममता बनर्जी की पार्टी ने किया पलटवार। महाराष्ट्र में सीएम बदलने की संभावना वाले चंद्रकांत पाटिल के बयान को आदित्य ठाकरे ने किया खारिज। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच राहुल गांधी ने बूस्टर शॉट्स को लेकर केंद्र से किए सवाल। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां पहली खबर बांदा से सामने आ रही है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बांदा पहुंचे हुए थे। यहां डिप्टी सीएम का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राज्य मंत्री बाबूराम निषाद, सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी, कई लोग वहां पर मौजूद रहे। यहां से सीधे जनसभा में डिप्टी सीएम पहुंचे हुए थे। जनसभा में डिप्टी सीएम ने सपा पर जमकर निशाना साधा। जनादेश यात्रा के आगमन पर आयोजित जनसभा को ही संबोधित करने के लिए आया हूँ, और बुंदेलखंड भाजपा का था, भाजपा का है और भाजपा का ही रहेगा। जय श्री राम। जन विश्वास यात्रा का एक ही उद्देश्य है, जो जनादेश हमको मिला था वह जनादेश निश्चित तौर से जनता के विश्वास पर हम खड़े उतरे हैं। इसलिए 2022 में 2017 फिर से दोहराएंगे, प्रचंड बहुमत के साथ फिर से भाजपा। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। दरअसल लखनऊ एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव पदार्थ डिएक्टिवेट होने से एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। रेडियो एक्टिव पदार्थ डिटेक्ट होने से एयरपोर्ट पर अलर्ट सायरन बजा था। इसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईबी, स्टेट पुलिस, सीआईएसएफ के साथ मेडिकल टीम एक्टिव हुई। डिटेक्ट हुए लोकेशन पर सभी सुरक्षा टीमें पहुंची। एयरपोर्ट पर एयरलाइंस की टीमें भी सतर्क हुई, और जानकारी मिलते ही एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई। तमाम सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारी भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। एक्चुअल में जो मॉक एक्सरसाइज थी वो सभी एजेंसीज को एक साथ मिलकर कैसे काम करना है, इन फ्यूचर अगर कभी कोई रेडिएशन इस तरह का यहाँ होता है तो कैसे काम करेंगे, तो सीआईएसएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़, फायर, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी ने मिलकर यहाँ पर एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम के आधार पर यहाँ पर काम किया। और एनडीआरएफ ने अपना जो उसकी एक्सपर्टीज़ है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर से रिलेटेड जो एनडीआरएफ के सोल्जर्स और जो रेस्क्यूअर्स हैं, जो टीम कमांडेंट्स हैं, उन्होंने अपना बखूबी एग्जाम्पल, अपनी ट्रेनिंग का यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण दिया और पूरे सिस्टम को एक सिस्टमेटिक वे में सीबीआरएन की मॉक एक्सरसाइज को आज लखनऊ एयरपोर्ट पर फाइनल अंजाम तक पहुँचाया। डिजास्टर में सीबीआरएन बोलते हैं इसको, जहाँ रेडियो एक्टिव पदार्थ जब मिलता है तो उसको किस तरीके से, कितनी कुशलता से हम उसको निकालेंगे, विक्टिम को निकालेंगे, उस पदार्थ से कितनी हानि होने से हम बचाएंगे, इसका ये मॉक ड्रिल था और उसी पे जो है हम लोग काम किए। एसडीआरएफ आई थी, एनडीआरएफ आई थी, एयरपोर्ट की जो है सिक्योरिटी एजेंसी थी, सीआईएसएफ सबका संयुक्त मतलब ऑपरेशन। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। योगी सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत पुलिस प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति को कुर्क किया। पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत शहर के महुआ बाग इलाके में स्थित मुख्तार के मार्केट कुर्क कर ली। ये संपत्ति मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी और बेटे अब्बास अंसारी के नाम पर है। शहर के बीचों बीच मुख्तार के इस मार्केट में 17 दुकानें बनी हुई है। कुर्की की कार्रवाई के तहत पुलिस प्रशासन ने इन सभी दुकानों को सीज कर दिया। इससे पूर्व इस बिल्डिंग के ऊपरी तल में बना मुख्तार अंसारी का होटल गजल भी पुलिस प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया था। फिलहाल बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा लगातार जारी है।
वहीं हरियाणा कर्मचारी महासंघ जिला फरीदाबाद की कार्यकारिणी ने कर्मचारी महासंघ के नवनियुक्त प्रदेश महासचिव सुनील खटाना के सम्मान में महावीर समुदाय केंद्र एनआईटी फरीदाबाद में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया, जिसमें पूरे प्रदेश के लगभग सभी सरकारी विभागों के पदाधिकारी कर्मचारी साथियों ने भाग लिया और नवनियुक्त महासचिव सुनील खटाना को बधाइयां दी गई। स्वागत समारोह के इस खास अवसर पर सुनील खटाना ने सभी साथियों का धन्यवाद दिया, साथ ही हरियाणा कर्मचारी महासंघ के सभी कार्यकर्ताओं को अपने कार्यों के बारे में जानकारी दी और सरकार सरेआम श्रम कानूनों के धज्जियां उड़ा रही है, इसके बारे में भी बात की गई। सर क्या शुभ नाम, क्या डिजाइन? मेरा नाम लेखराज चौधरी है, मैं हरियाणा कर्मचारी महासंघ जिला मीडिया प्रभारी फरीदाबाद से। आज हमारा ये जो आयोजन किया गया है, इसमें प्रदेश की जो हमारी राज्य कमेटी हरियाणा कर्मचारी महासंघ से, तो हमारे जो फरीदाबाद सर्कल के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमने आज इनको बुलाकर यहाँ सम्मानित किया गया है। आज इनके मान सम्मान का जो कार्यक्रम था, आज ये कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ है और हमारे भिन्न भिन्न राज्य मतलब जिलों से, जैसे और भी हमारे विभाग हैं जो हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित हैं, सभी विभागों से कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं। आज ये मीटिंग की गई है, आगे की जो हमारी महासंघ की जो रूपरेखा है कि भाई प्रदेश में किस प्रकार से आगे की जो नई कार्यप्रणाली गठित की गई है, इसके बाद हमें किस प्रकार से कार्य करना है। बार फरीदाबाद से प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी जो है बिजली बोर्ड से सुनील खटाना, मतलब मेरे को जिम्मेदारी सौंपी है और आज उसी के उपलक्ष्य में प्रदेश के कोने कोने से जितने भी आपके ज़िले हैं सभी से अपने पदाधिकारी साथी यहां पर आए हैं। उन्होंने एक स्वागत समारोह रखा है। स्वागत समारोह के साथ साथ आज प्रदेश के जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है कि हरियाणा की जो सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, आज कर्मचारी वर्ग अपने आप को वही उन्नाव में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। कानपुर नेशनल हाईवे को छात्रों ने जाम कर दिया। हाईवे पर बैठकर छात्र छात्राएं धरना दे रहे थे। दोनों थानों की पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद रही। हाईवे से उठने को छात्र छात्राएं किसी भी हाल में तैयार नहीं थे। छात्रों के हंगामे को लेकर जानकारी दी जा रही है कि परीक्षा में फेल होने पर छात्र जमकर बवाल काट रहे हैं। ये पूरा सोहरामऊ थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां पर छात्रों का हंगामा देखने को मिला। तो नेशनल हाईवे पर आज छात्रों का जमकर प्रदर्शन देखने को मिला है। छात्रों की ये जो पूरी मांगे थी, इसमें स्कैम की बात सामने आ रही थी, जहां पर छात्रों ने कहा है कि रिजल्ट में धांधली की गई है। आपको बता दें कि कानपुर नेशनल हाईवे पर छात्रों को ने पूरी तरह से ये जाम किया हुआ था, जहां पर छात्र छात्राएं मौजूद रहे थे। पुलिस बल भी भारी मौके पर मौजूद रहा, लेकिन छात्र किसी भी हाल में मौके से हटने को तैयार नहीं थे। ये पूरी घटना सोहरामऊ थाना क्षेत्र के पास की बताई जा रही है। वहीं यूपी के बुलंदशहर की जिला कारागार में डीजे प्रशांत मिश्र, डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने 500 बंदियों को सर्दी से बचाव को गर्म कंबल और गर्म कपड़े बांटे। जिला जेल में रोटरी क्लब फ्रेंड्स ने इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया था। बंदियों के बच्चों को भी गर्म कपड़े दिए गए। इसी के साथ अच्छा काम करने वाले बंदियों को उपहार भी वितरित किए गए थे। उपहार पाने वाले बंदियों के चेहरे खुशी से खिले दिखाई दिए। वहीं सहारनपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद परिजनों ने पूरे मोहल्ले में शोर किया। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को फिलहाल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि शुभम को सुबह कुछ लोग अपने साथ बुलाकर ले गए थे और शाम में पुलिस को सूचना मिली कि शुभम की गोली लगने से मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हम लोगों ने देखा तो उस पर गनशॉट इंजरीज हैं। ये व्यक्ति थाना बिहारीगढ़ अंतर्गत एक गांव का रहने वाला है, जो कि वहीं पर एक रेस्टोरेंट है और उसमें नौकरी करता था। कुछ विवाद की कुछ लोगों से बात सामने आ रही है, इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और जो तहरीर हमको मिलती है उसके आधार पर और अन्य हम लोगों ने जो क्लूज अभी तक इकट्ठा करे हैं उसके आधार पर हम लोग शीघ्र ही जो भी अक्यूज्ड हैं उनकी गिरफ्तारी करेंगे। थाना फतेहपुर पर तो सहारनपुर से इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सोहेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सोहेल, युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल अनुष्का, मैं आपको बता दूं, सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र का मामला है, जहां पर पेचो रेस्टोरेंट में शुभम नाम के एक युवक को, जो पिछले 3 साल से वहां पर काम कर रहा था,
उन्हीं के परिजनों ने यह बताया कि शुभम को सुबह 11 बजे के लगभग कुछ लोग बुलाकर ले गए थे और शाम को पुलिस द्वारा सूचना मिली कि शुभम को गोली लगकर मौत हो गई है जी। और साथ ही जो है शुभम नाम का युवक घर में सबसे बड़ा था, जिसकी कुछ दिन पहले शादी भी होने वाली थी, तो इसलिए पूरे घर के अंदर जो है इस टाइम पूरा मातम का माहौल है जी। अनुष्का सुहेल, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, परिजनों ने कुछ लोगों पर भी आरोप लगाए हैं, क्या कुछ नामजद लोग हैं जो इसमें शामिल बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए परिवारजनों का कहना है कि जो लोग बुलाकर ले गए थे तो उन्हीं पर जो है परिजनों ने आरोप लगाया हत्या का, लेकिन इसके अंदर जो एसपी देहात अतुल शर्मा है उनका कहना है कि पूरी जो जांच के बाद ही कोई बात इसके कही अंदर कही जाएगी जी। जी, तो जिस तरह से सुहेल इस पूरे मामले में परिजनों का बयान भी सामने आया है, लोगों का भी नाम सामने आ चुका है, वहीं आप पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्यवाही देखने को मिल रही है, जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं क्या उनकी गिरफ्तारी को लेकर कोई पहल हुई है? देखिए अनुष्का, उसकी उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है जो कि अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस का एक और साफ कहना है कि इसके अंदर जो है जांच के बाद ही आरोपियों पे आरोप सिद्ध होंगे और उसके बाद ही गिरफ्तारी जो है की जाएगी जी। अनुष्का बहुत बहुत धन्यवाद सुहेल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सहारनपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर एक युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद से परिवार में कोहराम मच गया। भारत माता की जय व राष्ट्रगान बोलने को लेकर चल रहा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला यूपी के शाहजहांपुर जनपद के विकासखंड बंडा के प्राथमिक विद्यालय राय तांडा से प्रकाश में आया, जहां एक सरकारी अध्यापक पर आरोप लगाया गया कि वहां भारत माता की जय बोलने व राष्ट्रगान करने पर पाबंदी है। इतना ही नहीं, अध्यापक ने यह भी चेतावनी दी कि छात्र छात्राओं को ऐसा करने वाले को सजा के तौर पर पीटा भी जाएगा। यह तब खुलासा हुआ जब वहां हिंदू बजरंग दल के कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने इसके बारे में जानकारी की। इस पूरे मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ता सूरज कुशवाहा, आशीष कुमार, राहुल विभाग संयोजक ने थाने में पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कल टीचर बोलते कि बिरयानी खिलाएंगे और वंदे मातरम सुनते हैं हमसे? अपने आप भी नहीं लेते हैं राष्ट्रगान? और क्या क्या बोलते हैं? पढ़ाई वढ़ाई कराते नहीं कराते हैं? कराते ना पढ़ाई। और बोले कि चिकन बिरयानी खिलाएंगे, कल बोले थे। और उन्हें वंदे मातरम भी नहीं आता टीचर को? सर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि शाहजहांपुर में ट्रांसफर लेके जहाँ जहाँ ये लोग आए हैं हर विद्यालय में विवाद हुआ है, ये आप लोग जानकारी आपको देना चाहूँगा। जहाँ भी दो लोग गए, एक हिंदू मुस्लिम, इन्होंने अपना वो बना के रखा कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ प्रभारी नहीं लेंगे। वही शाहजहांपुर में सट्टा किंग बेदी गिरोह के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने सटोरियों के पास से भारी मात्रा में नकदी, मोबाइल, सट्टा पर्ची, सट्टा रजिस्टर भी बरामद किया है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से 22,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। एसपी सिटी संजय कुमार ने बताया कि कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से भागने में भी कुछ सफल रहे हैं, जिनको पकड़ने की पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। सभी आरोपियों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर पुलिस सटोरियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसमें सदर बाजार पुलिस ने फिर से सूचना प्राप्त की थी कि शादी के मकान में कुछ लोग सट्टेबाजी में लिप्त हैं। इसकी जानकारी पर वहां तलाशी ली गई तो 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। अंसार, निहाल, शिवम और एक व्यक्ति और गिरफ्तार हुआ है। 3 व्यक्ति वहाँ से भागने में सफल रहे, जिसमें से सादिक जिस मकान मालिक वो भी भाग गया। संजय त्रिखा और एक व्यक्ति और थे, ये भाग गए। 22,140 रुपये वहाँ से बरामद हुए, कैलकुलेटर और मोबाइल बरामद हुआ, सट्टा परीक्षा वगैरह बरामद हुई है, रजिस्टर बरामद हुए। इस संदर्भ में अभी पंजीकृत करके कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। जो लोग भागे हुए उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी की जाएगी और उन पर बहुत कठोर कार्रवाई करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी सट्टेबाजी में जितने लोग हैं उन जेल चले जाएं। वही सीतापुर के थाना कोतवाली नगर तरहीनपुर में निवासी उज्जवल श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र सौंपा है। आपको बता दें कि तरहीनपुर निवासी उज्जवल श्रीवास्तव ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि जमीन अडबेनिया ग्रांट हाईवे शंकरपुर के पास तहसील सदर श्रवण चौधरी रामचंद्र आदि ने 9 लाख रुपए में इसे खरीदा था, जिसकी दाखिल खारिज किसी वर्ष नहीं हो पाई थी, जबकि प्रार्थी की खरीदी जमीन कब्जे में है। यह जमीन हाईवे के किनारे होने के कारण विक्रेता के बेटे ने लालचवश किसी की बहकावे में आकर जमीन हड़प लिया। विक्रेता श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद विक्रेता के बेटे सर्वजीत ने फर्जी बनामा कराने का भी आरोप लगाया है, जबकि बनामे के समय किसी को भी आपत्ति नहीं थी। विपक्षी बहुत ही दबंग और आपराधिक किस्म के बताए जा रहे हैं।
वहीं अलीगढ़ में एक महिला के मायके पक्ष ने दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को तेजाब पिला दिया। पीड़ित महिला की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। मायके पक्ष वालों ने पीड़ित महिला को जेएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया है। वहीं महिला के पिता ने पति, ससुर, सास और ननद पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। आरती है ये ससुराल में, ससुराल वालों ने एसिड पिला दिया इसे। एसिड? हाँ, कौन सा? लैटिंग वाला बा। तेजाब? हाँ, नहीं, तेजाब। तेजाब इसको? हाँ। पिला। अच्छा बाबा, क्यों पिला है इसको तेजाब? वो दहेज की खातिर हम पूरा नहीं कर पाए ना। आपने दहेज तो दिया पर उनकी इच्छा अनुसार नहीं मिला। अच्छा, दहेज आपने दिया था। हाँ। तो उनकी इच्छा में क्या कमी रह गई थी? कमी, भैंस मांग रहे थे, फ्रिज, कुछ नगद पैसा। बादा में अनियंत्रित ट्रक ने पति पत्नी और बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान पति की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पत्नी और बच्चे के साथ पैदल मृतक जो है वो घर जा रहे थे। जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं पत्नी और बच्चे का उपचार अभी भी जारी है। मामला शहर कोतवाली के गल्ला मंडी के पास का बताया जा रहा है। जिसका नाम है संतोष राजपूत, 45 साल का है। ये गल्ला मंडी के आसपास की घटना है और इसकी पत्नी जो कि जो है घायल अवस्था में भर्ती की गई है हमारे पास, और एक और अन्य बच्चा है जिसका जो है प्राथमिक उपचार करके घर भेज दिया गया है। कुल तीन लोग आए हैं जिसमें एक की डेथ हो गई है, संतोष राजपूत। बाकी देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के दिघवा पर पवटवा गांव में रहने वाले व्यक्ति के उसके दोस्तों ने पहले दावत पर उसे बुलाया, फिर दावत खिलाकर उसका हाथ पैर तोड़ दिए और शराब की बोतल से उसके सर को भी तोड़ दिया और हमला करने के बाद आरोपी दोस्त मौके से फरार हो गए। दूसरे दिन घायल युवक बेहोशी की हालत में शराब भट्टी के पास में मिला है। पुलिस ने आनंद फानन में आनंद नगर में देसी शराब भट्टी है। हाँ। उसके बगल में छत है। हाँ। और छत के ऊपर मार के लोग हमारा जान के मतलब फेंक दिए थे। हाँ। फेंक के लोग फरार। हाँ। हो गए थे। हाँ। इसकी सूचना कब आपको मिली? हमको सूचना मिली इसको 3:30 बजे रात में। हाँ। जो लोकल पुलिस गई। हाँ। मेरा गाड़ी उधर लवारिस पड़ा था। हम्म। तो लोग सूचना दिया कि आपकी गाड़ी लवारिस पड़ी है, चाबी लेकर आइए। हमने चाबी लेकर गया, गाड़ी लोग सुबह लेकर थाने आ गए। बोले कि कल लड़के को लेके आइएगा तो गाड़ी मिल जाएगी सुबह। फिर लड़के को रात को पता नहीं चला। फिर सुबह में लड़के को पता चला। छत पे बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है, खबर मिला। हम लोग गए वहाँ से लेकर देवरिया है। देवरिया ने रेफर किया गोरखपुर। गोरखपुर ने रेफर किया लखनऊ। लेकिन डॉक्टर बोले कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका ऑपरेशन। आनंद नगर में देसी शराब। वहीं देवरिया संत बिनोवा पीजी कॉलेज में छात्रों ने गेट पर तालाबंदी करके कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र संघ चुनाव के लिए छात्र अड़े रहे। आलम यह है कि छात्रों ने कॉलेज गेट पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। संत बिनोवा पीजी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज गेट पर ताला बंद कर चुनाव को लेकर कॉलेज प्रशासन पर जमकर नारेबाजी की। वही मामला तूल पकड़ता देख कॉलेज गेट के बाहर जिला प्रशासन भी मुस्तैद रहा। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन से अपनी मांगों को लेकर बात की है, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सका। तो उन लोगों की विभिन्न मांगों में जो सबसे बड़ी मांग है वह है चुनाव का, और नियम संगत से यह चुनाव लिंग दो कमेटी के हिसाब से नहीं हो सकता है। जो लिंग दो कमेटी का जो नियम है उससे यह चुनाव संभव नहीं है इस समय कराना। सभी महाविद्यालय का फॉर्म भरा जा रहा है, एक सप्ताह 10 दिनों में परीक्षा होने वाली है, तो नैतिक रूप से भी यह चुनाव नहीं कराया जा सकता है। यदि हमको कोई ऊपर से आदेश मिलता है चुनाव कराने के लिए तो मैं इससे पीछे नहीं। मैं इस कॉलेज का 2011 से अध्ययन कर रहा हूँ। मैं यहाँ से ग्रेजुएशन, मैं पोस्ट ग्रेजुएट, मैं ला से यहाँ से मैं फेलियर छात्र हूँ। मेरा एक्स एडमिशन है, मैं यहाँ का छात्र हूँ और हमेशा से सदैव हमारे प्रचार जी ऐसे छात्र नेताओं को वो पसंद नहीं करना चाहते हैं जो उनके खिलाफ आवाजें उठाएं, जो उनके खिलाफ थोड़ी सी भी बोलने में सहमति जताएं, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। वो जांच करवा लें, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है। अगर ऐसी कोई दिक्कतें हो तो बिल्कुल लाएं।
वहीं फतेहपुर में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी और डंडे चले। इस भयंकर मारपीट में दो महिलाओं के साथ पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही घायल की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू करते हुए जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसी के साथ पुलिस का कहना है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं फिरोजाबाद में सड़क हादसे में कार सवार दो महिला और एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। थाना सिरसागंज क्षेत्र में ये पूरी घटना सामने आई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसमें तीन लोग सवार थे, एक चालक, दो महिलाएं। चालक की उम्र करीब 40 वर्ष के बताई जा रही है। ये तीनों जो है एक ही जगह के रहने वाले हैं, कानपुर के बर्रा के। ये लोग जो रात्रि के समय फिरोजाबाद की तरफ से कानपुर की तरफ जा रहे थे और एक गाड़ी पीछे खड़े एक ट्रक में चौकी के पास टकरा गई। वहीं पे मौके पे चौकी की पुलिस थी, उन्होंने देखा, तत्काल घायलों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन दुर्घटना इतनी भीषण थी कि तीनों लोग जो है मृत हो चुके थे। मृतकों को तत्काल अस्पताल पहुँचाया गया, वहाँ जाँच की गई, उसके बाद उनको मोर्चरी भिजवा दिया गया है। परिवारीजनों को सूचना कर दी गई है, वो लोग पहुँच रहे हैं, उसके बाद आगे जो भी तहरीर देंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं फरीदाबाद में दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामला फरीदाबाद के सेक्टर 15 का है, जहां तीन नकाबपोश बदमाशों ने केनरा बैंक में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, अभी हमें आसपास के कैमरे फुटेज चेक कर रहे हैं और उसके अनुसार हम कार्रवाई अपनी कर रहे हैं। सर, किस वक्त की घटना है ये? करीब 12:30 बजे दिन की। कितने की लूट हुई है और कैसे कैशियर के पास आए? क्या 1,84,000। 12 बजे के आसपास ये न्यूज आई कि यहाँ पर एक 3-4 लड़के घुसे, उन्होंने बैंक को लूटने की कोशिश करी थी और थोड़ा बहुत कैश लूट के भाग गए, लेकिन हमारी पुलिस टाइम पे आ गई थी। उसी वक्त साहब भी आ गए थे, एसीपी महेंद्र वर्मा जी भी आ गए थे, इन चार साहब भी सब पहुंच गए थे यहाँ पर, और क्राइम ब्रांच की टीमें भी आ चुकी हैं। वो अपना काम कर रही हैं, कैमरे चेक कर रही हैं और ढूंढने की कोशिश करी जा रही है, और हमारा पुलिस प्रशासन बहुत जल्दी इनको पकड़ लेगा। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।